वालेकुम सलाम सर, एक इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी थी NUMS MDCAT। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू StudyHIGH.Pk एंड सब्सक्राइब कीपिंग कांटेक्ट फॉर मोर वीडियोस हेल्पिंग मटेरियल इन रिटेल सेलेक्टेड डीसी। आज मैं फोर बहुत ही अहम रीजंस यूँ समझने की आज मैं 100% कंफर्म बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि NUMS MDCAT 11 अक्टूबर को होगा। इसके फोर ऐसे रीजंस जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपको 100% यकीन हो जाएगा कि NUMS MDCAT क्यों PMC की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा। NUMS को कॉल करके भी मैंने कन्फर्म किया है और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा ताकि किसी को किसी टाइप की कन्फ्यूजन ना रह जाए। सबसे पहली बात, NUMS क्यों PMC को फॉलो नहीं करेगी। 2018 उससे पहले भी NUMS MDCAT PMDC की पॉलिसी को फॉलो नहीं था करता। यानी अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और ETM में नेगेटिव मार्किंग होती थी, NUMS में नहीं थी होती। उनके MCQs 220 होते थे, NUMS के 180 होते थे। सो NUMS पहले भी PMDC को फॉलो नहीं था करता। और एक मेजर रीज़न जिसकी वजह से NUMS PMC का इफेक्ट नहीं लेने वाला वो ये कि PMC अकॉर्डिंग टू PMC एक्ट क्लॉज 18 PMC 2021 उसके ऑनवर्ड MDCAT लेने का हक रखती है, लेकिन 2020 में इसको दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। यानी अगर आपको वो वापस लेकर आ गया प्राइवेट माफिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PMDC ख़त्म करके, इसका मतलब कुछ भी, यानी आप कुछ भी कर देंगे। यानी रूल भी कोई नहीं है। 2020 में इनका हक ही नहीं बनता कि UHS को स्टॉप करे, ETA वालों को स्टॉप करे, लेकिन उनको स्टॉप करके हम नेशनल MDCAT खुद लेंगे। फिर इन्होंने कहना है कि तुलबा गल निकालते हैं। यानी आप कर क्या रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तालब इलम जो कि फ्रेश है वो रिपीट भी कर लेगा, इतना इफेक्ट नहीं। लेकिन वो तालब इलम जो कि पहले दो बार रिपीट कर चुके हैं, फिर MDCAT के सहारे तैयारी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनके ख्वाब सारे के सारे MDCAT के ऊपर हैं, और आपने एडमिशन इतने लेट कर देने कि अगर खुदा ना खास्ता उनका एडमिशन नहीं होता तो फिर वो किधर जाएँ। फिर तो मुर्शिद वो गाली देंगे ना। आप उनके फ्यूचर की ऐसी की तैसी कर दें और वो कुछ कहें भी ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं खुद NUMS को काफ़ी मरतबा जीमेल के ऊपर मैसेज कर करके तंग करके पूछ चुका हूँ कि NUMS MDCAT कब होगा। उनका यही कहना कि वो 11 अक्टूबर को ही होगा। दूसरी बात, एक स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए, NUMS वालों ने जीमेल के ऊपर उन्हें कहा था कि आप अपनी पिक सेंड करें क्योंकि जो आपकी जो पहली पिक थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, फिल्टर लगे हुए थे, हमें आपकी वो पिक्चर चाहिए जिससे हम आपको पहचान लें। ऐसी पिक्चर नहीं कि आपका कलर ही बहुत वाइड हो। सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि NUMS इज वर्किंग। थर्ड मेजर प्रूव है, आज मैंने खुद NUMS वालों को कॉल की, उनको कॉल की जो कि आप सुन सकते हैं। वालेकुम सलाम सर, एक इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी थी NUMS MDCAT के रिलेटेड। जी पूछे। जी सर, NUMS MDCAT 11 अक्टूबर को कंफर्म है ना। जी कंफर्म है। तो ऐसी कोई जो डिफरेंट फेसबुक पर जिस कह रहे हैं कि NUMS MDCAT PMC से इफेक्ट हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई नहीं। तो ठीक होगा, NUMS MDCAT यानी 11 अक्टूबर को कन्फर्म है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो जैसा कि आपने देखा कि NUMS MDCAT कन्फर्म है, मैंने 3 बार उनसे इसलिए पूछा ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो सा NUMS बायोलॉजी बाय StudyHIGH.Pk के ऊपर रिस्पॉन्स है, जो फीडबैक है उसकी हमें दिली खुशी है। बहुत अच्छा फीडबैक है। हमने भी A-Level, फेडरल किप्स, इन तमाम चीज़ों के अलावा अपने कंसेप्ट को इस तरह से मॉडिफाई किया है। बहुत कम टाइम में तुलबा की A-Level भी क्लियर, फेडरल भी क्लियर, और सबसे अहम बात, आप पेपर से पहले 15 मिनट में इन नोट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। जीद किसी को बुक की नीड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। बेस्ट ऑफ लक। और ये बात 100% कन्फर्म मैंने आपको कर दी कि NUMS MDCAT 11 अक्टूबर को ही होगा। दुआओं में याद रखें, अच्छी तरह स्टडी करें, NUMS में आपने किस तरह से MCQ सॉल्व करनी है, वीडियोज़ अपलोडेड हैं, कैसे पेपर सॉल्व करने हैं, तमाम चीज़ें। होप बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।